हिमाचल के श्रीखंड के पास बादल फटने से आई बाढ़ में 45 लोग बह गए। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। यूपी के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से युवक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई, हादसे में करीब 10 लोग हुए जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में धमाके से मचा हड़कंप, जहां हादसे में 5 बच्चे झुलसे। उधर बिहार के कैमूर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने का इन पर आरोप है। यूपी के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कराई मुनादी, 3 आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, गैंग ऑन डिमांड, बच्चे की चोरी करते थे, एक बच्चे को करीब 4 लाख रुपए में बेचा करते थे। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने पिटाई कर दी, लोहे के रॉड डंडों से पिटा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के दिए आदेश। राजस्थान के भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के पालन गृह में मिला नवजात का शव, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की लापरवाही आई सामने, स्कूल में बंद मासूम को परिजनों ने छुड़ा लिया। यूपी के संभल में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, आत्महत्या से पहले हाथ पर लिखा सुसाइड नोट। मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर पंकज यादव का मथुरा में हुआ एनकाउंटर, पंकज यादव पर दर्ज थे 36 मामले। शुक्रिया अंजलि। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो अब आगे नहीं खेलेंगी। तो चूक गई विनेश, साथ खड़ा है पूरा देश। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये ऐलान किया और ये कहा कि वो अब आगे नहीं खेलना चाहती हैं। आपका सपना, ये देखिए, ये एक्सपर्ट जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, कुश्ती मेरी जीत में, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, ज्यादा ताकत अब नहीं रही है। ये विनेश फोगाट का ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब आगे नहीं खेलेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है विनेश फोगाट के आगे, उसके उस बीच पूरा देश उनके साथ लगातार खड़ा हुआ, लेकिन उनका जो सपना था वो टूट गया और ऐसा लगता है कि काफी आहत हुई है विनेश फोगाट। और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो आगे नहीं खेलेंगी। तो विनेश फोगाट का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें विनेश फोगाट ने कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। तो ये उन्होंने अपने परिवार को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया। तो सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया है और कुश्ती मुझसे जीत गई है, ये कहना है विनेश का, विनेश की माँ का। लेकिन अब देखें, विनेश ने एक तरफ सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया है कि वो संन्यास लेने वाली है, लेकिन उनकी हिम्मत टूट गई, वो ये कह रही है, लेकिन उन्होंने हिम्मत ऐसा लग रहा है कि अभी हारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीएस में अपनी अपील भी दायर की है, क्योंकि विनेश फोगाट का हौसला हर कोई बढ़ा रहा है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक मेहनत की है, यहां तक पहुंची है, फाइनल तक पहुंची, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण वो अयोग्य घोषित हो जाती हैं। लेकिन अब वो अपनी मां से कह रही हैं कि मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, ये वो लोगों से कह रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले रही हूं। तो ये उनका ये ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट के बाद से हर कोई हैरान है, क्योंकि अभी तक विनेश फोगाट ने हिम्मत नहीं हारी थी और आखिर समय तक ये देखा गया कि वो यहाँ लड़ती रही, एक बड़ी जंग लड़ के यहाँ तक पहुंची। उनको अपने आप को साबित करना था, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करना था, हर एक कोशिश उन्होंने करके दिखाई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अब देखा गया कि मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा पाया गया। तो ये सोशल मीडिया पर ट्वीट विनेश फोगाट का हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीर आपके सामने, जहां पर उनको एडमिट कराया गया था अस्पताल में, और अब उन्होंने अपनी मां को संबोधित किया है।
असल में उनकी मां का एक बड़ा सपना था कि वो ओलंपिक्स में मेडल लेकर लौटे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जिसके बाद विनेश फोगाट उनका परिवार, न सिर्फ उनका परिवार, उनकी मां विनेश फोगाट, बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। हाँ जरूर वो एक मेडल से चूक गई, लेकिन वो परिस्थितियों की वजह से उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही। और विनेश फोगाट का क्योंकि सपना टूटा है तो वो अपनी मां को संबोधित करते हुए ये ट्वीट भी कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। मतलब वो एक तरह से बहुत निराश नजर आ रही है इस ट्वीट में, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत अब टूट गई है, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही है, अलविदा कुश्ती। और उन्होंने उस साल का जिक्र भी किया जो उनका सफर रहा है। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये ट्वीट विनेश फोगाट ने किया है, जिसको देखकर जाहिर सी बात है हर कोई इसको देखकर निराश होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि विनेश फोगाट अपने सफर को आगे भी जारी रखती, लेकिन मेडल क्योंकि वो नहीं ले पाई और जो सपना था उनका, उनकी मां का, उनके परिवार का, वो सपना जब टूट गया तो अब काफी निराश और आहत विनेश फोगाट लग रही हैं। और उनकी तरफ से सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान किया गया कि वो अब आगे कुश्ती नहीं खेलना चाहती। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं विनेश फोगाट का, ये वो ट्वीट, और आपने वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाई किया गया, वो बेसुध होकर वहां पर बैठी नजर आई। और ये वो तस्वीर है जब विनेश फोगाट प्रैक्टिस कर रही थी रात भर, ना तो उन्होंने कुछ खाया ना पिया, लगातार उन्होंने कार्डियो एक्सरसाइज की और यहां तक कि उन्होंने अपना खून भी निकलवाया। तो इसे समझिए कि हर एक कोशिश उन्होंने आजमा के देख ली कि आखिर उनका 50 किलोग्राम ही वेट आए। लेकिन बावजूद इसके जब बाउट का सेशन आया, यानी कि जब कुश्ती शुरू होती है उससे पहले बाउट होता है, और वहां पर उनका जब वेट मापा गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा आया। लेकिन बावजूद इसके विनेश फोगाट हम सभी की नजर में जीत चुकी है, क्योंकि यहां उन्होंने जो पटकनी दी उस खिलाड़ी को जो गोल्ड मेडलिस्ट और 82 खेल जीतने के बावजूद विनेश फोगाट ने उसे पटखनी दे दी। और यहाँ फाइनल में पहुँचते पहुँचते हालांकि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई जरूर हुई मात्र 100 ग्राम वजन के चलते, लेकिन वो हम सभी की नज़र में जीत चुकी हैं। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सिर्फ विनेश फोगाट का परिवार ही नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा देश उनका हौसला बढ़ा रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई नहीं हुई हैं, बल्कि वो एक तरह से जीत चुकी हैं और हम सभी का दिल जीत चुकी हैं विनेश फोगाट। और कल जहां खेल मंत्री ने लोकसभा में बात भी रखी विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उन्होंने तमाम बड़ी बातें की हैं और विनेश फोगाट को मेडल देने की मांग भी की जा रही है चारों तरफ से। तो विनेश फोगाट ने भी अपनी अपील दायर की है। दरअसल विनेश फोगाट ने अपनी अपील दायर करके ये कहा है कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए, उन्होंने ये मांग सीएएस में अपील करके रखी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक और अपील दायर की थी, लेकिन वो अपील उन्होंने वापस ले ली थी। वो अपील थी उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि उन्होंने दोबारा से एक अपील दायर की है। तो देखिए, अब विनेश फोगाट का आपने ट्वीट देखा, लेकिन विनेश फोगाट अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है। उन्होंने सीएस में अपील दायर की और ये कहा है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए, उन्होंने अपील की। और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि विनेश की इस अपील पर आज फैसला संभव है। विनेश के पक्ष में फैसला आया तो IOC को सिल्वर मेडल देना होगा। तो ये समझा जा रहा है कि आज जब विनेश के पक्ष में फैसला आने वाला होगा तो IOC को ये सिल्वर मेडल देना होगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अपील पर आज ही फैसला संभव है और इस फैसले पर फिलहाल सभी की निगाहें टिकी होंगी कि विनेश फोगाट ने हिम्मत रखते हुए जो CAS में अपील दायर की है उसका नतीजा क्या उन्हें मिलेगा, क्या सिल्वर मेडल उन्हें दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एक संतुष्टि जरूर होगी। हालांकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट के साथ हर कोई खड़ा है, पूरा देश खड़ा हुआ है। तो ऐसे में विनेश फोगाट जो ट्वीट करके ये कह रही हैं कि वो हिम्मत हार गई हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सीएस में एक आखिरी उम्मीद रखते हुए अपील दायर की और ये मांग की है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। और ये 5 तस्वीर आपके सामने, विनेश की अपील उन्होंने दायर कर दी है सीएस में, साथ ही साथ परिवार में हालांकि मायूसी भी देखी जा रही है, उदास है, नम है आंखें इस समय परिवार की। PM ने हौसला अफजाई भी की है, सिल्वर मेडल की मांग रखी है और साथ ही साथ
उनके साथ पूरा देश खड़ा है, एक एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, क्योंकि विनेश फोगाट का जो हौसला हम सभी ने देखा है वो हौसला हम सभी को उत्साहित करता है। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि एक महिला होने के नाते उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और अब वो देखना होगा कि उनके पक्ष में क्या फैसला आता है। तो दंगल में